नमस्कार साथियों, जन सरोकार मंच टॉक के इस कार्यक्रम पाती अपनों की में मैं नीलम राकेश आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। आज टीचर्स डे है, आप सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई। आज की शाम मैं सबसे पहले आदरणीय श्री नेगी जी, सुश्री मीना जी, श्री अशोक सक्सेना जी, श्री देवेंद्र जी एवं जन सरोकार मंच टोक के प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे ये सुअवसर दिया कि आज मैं आप सबके बीच उपस्थित हूँ। आज की शाम आपके बीच मैं नीलम राकेश उपस्थित हूँ अपने वादे के अनुसार पत्र वाचन के लिए। जानती हूँ कई भ्रुकुटियाँ सिकुड़ गई हैं इस ईमेल के युग में। पत्र वाचन सच है, आज पत्र लिखना और पत्र को पाना इतिहास की बात हो गई है। परंतु एक समय था जब बड़े चाव के साथ बहुत ही भावना में डूबकर पत्र लिखे जाते थे और उतनी ही उत्सुकता और उतावलेपन के साथ उनकी प्रतीक्षा होती थी। डाकिये का आना एक उत्सव होता था। इस विलुप्त हो रही विधा को आदरणीय श्री सूर्य सिंह नेगी जी के नेतृत्व में जन सरोकार मंच द्वारा पाती अपनों को की मुहिम चलाकर पुनर्जीवन प्रदान किया जा रहा है। ये सारे पत्र पुस्तक आकार में आ चुके हैं, यह एक महायज्ञ के समान है। ये सारे पत्र इस अभियान से जुड़कर बहुत सारे कलम के सेवकों ने अपनी अपनी आहुति डाली है। कुछ पत्र मैंने भी लिखे हैं, उनमें से कुछ पत्रों के साथ आज मैं आप सबके बीच उपस्थित हूँ। वर्तमान समय में हम एक के बाद एक प्राकृतिक आपदाओं से रूबरू हो रहे हैं। गंभीरता से देखें तो इनके पीछे जो कारण है वो हमारी गैर जिम्मेदारी वाली सोच ही है। आज प्रकृति हम इंसानों से कुछ कहना चाहती है। इस मुहिम की एक कड़ी थी प्रकृति की पाती मानव के नाम। आम के वृक्ष को पात्र बनाकर मैंने यह पत्र मानव के नाम लिखा है। आपके सामने प्रस्तुत है मेरा पत्र प्रकृति की पाती मानव के नाम। प्रिय मानव, विनम्रता पूर्वक नमन। हे मानव, आज भारी मन के साथ आपको मैं यह पत्र लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं आपके बगीचे में खड़ा आम का वृक्ष हूँ। जानता हूँ दिन ब दिन बढ़ती मानव आबादी के कारण आपकी कृषि के लिए भूमि की आवश्यकता, विकास के लिए औद्योगिक एवं वाणिज्य केंद्रों की आवश्यकता बढ़ गई है। आप अपने जीवन को बेहतर करने की धुन में वृक्षों की अंधाधुंध कटान करते जा रहे हैं। शहरीकरण के विकास के साथ ही आवास की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भूमि की आवश्यकता अपनी पूरी शिद्दत के साथ आपको महसूस होने लगी है और इसी के साथ हम वृक्षों का अंत भी आरंभ हो गया है। दूर क्या जाना, जिस बगीचे में मैं खड़ा हूँ हम वहाँ 30 वृक्ष थे और आज हम केवल 5 फलदार वृक्ष शेष बचे हैं। हे मानव, शायद आपको लगा हो कि वे वृक्ष जिन्हें आपने कटवा दिया है वे आपके किसी काम के नहीं थे। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि हम वृक्ष केवल फल ही नहीं देते, अपितु मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण अनेक कार्य हम मौन रहकर भी करते रहते हैं। इसलिए किसी भी देश की अमूल्य संपदा में वनों की गिनती होती है और हम अपनी महती जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाते हैं। वनों से आपके लिए उपयोगी वस्तुएं जैसे इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, कत्था, सेलुलोज, लाख, गोंद, खनिज और जड़ी बूटियां बहुतायत में आपको प्राप्त होती हैं। वनों में हम आपके वन जीवों को भी सुरक्षित आश्रय प्रदान करते हैं, अन्यथा वे आपके शहरों में यदि विचरण करने लगें तो कल्पना कीजिए कितनी भयावह स्थिति होगी।
हे मानव, जिन वृक्षों को आपने बगिया से कटवा दिया और जलावन की लकड़ी की तरह बेच दिया, वे आपके लिए आपके पर्यावरण और जलवायु को का संतुलन बनाए हुए थे, आपकी मृदा का कटाव रोक रहे थे, वर्षा को आपकी बगिया में आकर्षित कर रहे थे। आपके पूर्वज बहुत समझदार लोग थे, उन्होंने मानव के जीवन में वृक्षों के महत्व को बखूबी समझा था। जिसे आप मानव की आदिम अवस्था कहते हैं, उस समय भी इंसान वनों के आसपास ही बसा था और वनों से अपने आवश्यकता के अनुसार भोजन और आवास हेतु लकड़ी प्राप्त करता था। यही नहीं, हमारे महत्व को महसूस कर उन्होंने हमारे पूजा तक का विधान रखा था। तब प्रकृति का इतना सुंदर संतुलन था कि ना तो कृषि के लिए वर्षा की कमी होती थी, ना ही बाढ़ तबाही मचाती थी। आज आपकी भूल के कारण आपकी संतति को असंतुलित जलवायु, मृदा अपवर्धन, बाढ़ व सूखे का प्रकोप जैसी विनाशकारी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। अभी भी समय है, आप अपनी संतानों के हित में चेत जाएं और वन संरक्षण को जन आंदोलन बनाएं। हर घर के आगे कम से कम 2 वृक्ष लगाएं, उन्हें जिलाएं, अपने संतानों के अंदर वृक्षों के प्रति आदर का भाव जगाएं और उनका महत्व समझाएं, तो काल आपको क्षमा करेगा और आपकी संतति को सुंदर, उपयोगी और गुलजार परिस्थितियां जीने के लिए देगा। आशा है मेरी कही बातों को आप गंभीरतापूर्वक लेंगे और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुंदर, स्वस्थ, पर्यावरण वाली दुनिया भेंट में देंगे। सद्भावना एवं शुभकामनाओं के साथ, आपका आम का वृक्ष। साथियों, मुझे आधे घंटे का समय दिया गया था, तो मैं कुछ और भी पत्र लाई हूँ जो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। वो पत्र था एक वृक्ष का, प्रकृति का, मानव के नाम। और ये पत्र है पॉलिथीन बैग का, बच्चों के नाम। बच्चों से देखिए पॉलिथीन बैग क्या कहना चाह रहा है। प्यारे बच्चों, सोच रहे हो ना कि ईमेल और व्हाट्सएप के ज़माने में ये पत्र लिखने वाला पुरातनपंथी कौन आ गया? तुम्हारा तो जन्म ही इस ईमेल वाले युग में हुआ है, परंतु पत्र लिखने का और पाने का अपना ही एक आनंद होता है। उसे सहेज कर रखना में जो मज़ा है, वह ना तुम्हारे इन आधुनिक तरीकों में नहीं है। तो सोचा तुम्हें भी पत्र पाने और उसे सहेजने का आनंद उठाने का एक अवसर प्रदान करो, और साथ ही साथ खुद से तुम्हारा परिचय भी करा दूं। मेरा नाम है पॉलिथीन बैग। तुम्हारे चेहरे पर आई मुस्कान बता रही है तुम मेरे नाम से तो परिचित हो। चलो मैं तुम्हें अपने जन्म की कहानी सुनाता हूँ। 1907 की बात है। न्यूयॉर्क में रहने वाले एक अमेरिकन वैज्ञानिक, जिनका जन्म बेल्जियम में हुआ था, उनका नाम था लियो हेड्रिक बेकेलैंड। लियो हेड्रिक बेकेलैंड ने फिनाइल और फॉर्मेल्डिहाइड को आपस में मिलाकर गर्म किया और एक नया पदार्थ बना। यह प्लास्टिक था, इसी से बना पॉलिथीन, और इसी के बाद मेरे जन्म का नंबर आया। 1960 के आरंभ में स्वीडिश इंजीनियर श्री स्टेन गुस्ताफ थुलिन ने इस पॉलिथीन से हल्के भार वाला एक बैग बनाया। मेरा जन्म होते ही मानव ने प्रकृति को, जो कि अनादिकाल से उसकी सहचरी रही है, उसे ही बिसरा दिया। मानव ने पर्यावरण को पॉलिथीन के अंधाधुंध प्रयोग से प्रदूषित करना आरंभ कर दिया। मेरे जन्म से पहले कपड़े, जूट या कागज के बने थैले प्रयोग में आते थे, परंतु सस्ते पॉलिथीन बैग के आते ही पुरानी सारी की सारी पद्धतियां धरी की धरी रह गई। मानव यह भूल गया कि पॉलिथीन को दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, अर्थात इसे फेंकना पड़ता है। मैं प्रकृति में विलय नहीं हो पाता हूँ, इसीलिए क्योंकि मैं बायोडिग्रेडेबल पदार्थ नहीं हूँ। खेत खलियान जहाँ भी मैं पहुँच जाता हूँ, उस भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। मेरे नीचे
दबे हुए बीज अंकुरित नहीं हो पाते। जब मैं नालियों में पहुंचता हूं, तो नालियां अवरुद्ध हो जाती हैं। बच्चों, मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है जब मेरे अंदर घर में खाने पीने का सामान भरकर घर के बाहर फेंक दिया जाता है और निरपराध जानवर थैली सहित उसे खा लेते हैं, जो बहुत 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 नुकसानदायक है। यहाँ तक कि कभी कभी तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। आज स्थिति यह है कि जहाँ जहाँ भी मानव के कदम पड़े हैं, वहाँ वहाँ पॉलीथीन प्रदूषण फैलता गया है। यहाँ तक कि हिमालय की वादियाँ भी इससे अछूती नहीं है। बच्चों, आज जो मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ, वह इसलिए कि मेरा जन्म जिस पदार्थ से हुआ है, यानी कि पॉलीथीन, उसके दूरगामी दुष्परिणाम एवं विषैलेपन से तुम्हें आगाह कर सकूँ। साथ ही तुमसे आग्रह करूँ कि प्रकृति माँ की रक्षा के लिए तुम स्वयं आगे आओ। मेरा यानी पॉलीथीन बैग का प्रयोग बिल्कुल बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि ऐसा नहीं किया तो यह पॉलीथीन का जहर हमारी प्रकृति को, हमारे पर्यावरण को नष्ट कर देगा। मेरा विश्वास है अब तुम मेरा प्रयोग नहीं करोगे। सदा खुश रहो, सदा स्वस्थ रहो। तुम्हारा दोस्त, पॉलीथीन बैग। खाली प्रकृति के ही नहीं, मौसम भी बच्चों से बात करना चाहता है। तो एक पत्र मानसून की ओर से बच्चों के नाम। हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, आज मैं तुमसे मिलने आया हूँ। चाहता हूँ, मेरा नाम है मानसून। आप में से कितने लोग मुझे जानते हैं? कुछ जानते हैं और कुछ नहीं भी। चलो मैं स्वयं ही आपको अपने बारे में बताता हूँ। मैं प्रकृति चक्र का हिस्सा हूँ, मुझे मानसून कहा जाता है। सही सोचा आपने, मेरा नाम सुनते ही आंखों के आगे हरियाली लहलहा उठती है। मुझे आप बच्चों से बहुत प्यार है। मैं चाहता हूँ आप मेरा पूरा आनंद उठाएं, खूब खेलें कूदें और मौज करें। मैं अपने से जुड़ी जिन सच्चाइयों को जानता हूँ, उन्हें आपको बताना चाहता हूँ, जिससे कि आप सतर्कता रखकर मेरा पूरा आनंद उठा पाएं। मैं जब आता हूँ तो मेरा हाथ पकड़कर कुछ बीमारियाँ मेरे संग संग चली आती हैं। मैं बरसात को लाता हूँ, परंतु बैक्टीरिया और वायरस स्वयं चले आते हैं और जहाँ भी भोजन सामग्री खुली मिलती है उसे संक्रमित कर देते हैं। गैस्ट्रोएंटाइटिस बीमारी का नाम तो कभी ना कभी आपने सुना ही होगा। यह तो मेरी साया ही बन जाता है। कारण है दूषित पानी और खुला भोजन, जो अक्सर इन्हें बहुत सारे घरों में मिल ही जाता है। इनके पनपने के लिए इन्हें यही वातावरण चाहिए होता है। यह आपकी आंतों में संक्रमण पैदा कर देता है और आपको बहुत परेशान करता है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप लोगों का दुख मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इन कुछ खास चीज़ों का, बातों का ध्यान रखें, ताकि आप इन बिन बुलाए मेहमानों से बच सकें और स्वस्थ रहें, मेरे आने का भरपूर आनंद उठा सकें। एक तो जैसे ही मैं आता हूँ और मेरे संग झमाझम पानी आता है, आप लोग एकदम पानी पीना कम कर देते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए, के स्तर को बनाए रखने के लिए पानी की पर्याप्त मात्रा का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसलिए पानी का आपके शरीर में पहुंचते रहना अति आवश्यक है। हाँ, एक बात और, मुझे पता है आप में से ये बात किसी को भाएगी नहीं, पर बहुत ज़रूरी बात है, इसलिए कहना तो पड़ेगा। जब तक मैं रहूँ तब तक आप लोग बाहर की चीज़ें ना खाएं तो अच्छा रहेगा, और अगर खाना ही पड़े तो सफाई का पूरा ध्यान रखें, ढकी हुई चीज़ें ही लें। अपनी मम्मी से कहिएगा कि वो आपको अंकुरित दालें दे, आपको घर में बनाकर ताज़ा सूप दे, जिसमें लहसुन की मात्रा ज़्यादा कर दें। यह आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा देगा। इस मौसम में सब्जियों को बहुत अच्छे से धोकर तभी प्रयोग में लाएं। अपने शरीर की सफाई का भी पूरा ध्यान रखें, नाखून न बढ़ने दें। हाँ, यदि आपका मन करे चाय पीने का तो ग्रीन टी पीजिएगा,
जानते हैं क्यों? क्योंकि ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो खांसी और सर्दी की रोकथाम में मदद करते हैं। अब हो गई ना हमारी अच्छी दोस्ती, अब आप मेरा यानी मानसून का पूरा मजा उठा सकेंगे। तो दोस्तों, इस बार हम सतर्कता के साथ खूब खूब मस्ती करेंगे, आनंद उठाएंगे और बीमार पड़ने से बचे रहेंगे। आपका अपना मानसून। साथियों, ये था प्रकृति की ओर से मानव के लिए, हम लोगों के लिए, बच्चों के लिए कुछ संदेश। और ये पत्र एक माँ की ओर से बेटी को लिखा है उसकी जिज्ञासा शांत करने के लिए। माँ का पत्र बेटी के नाम। प्यारी बेटी, ढेर सारा आशीष। आज अचानक तुमने लखनऊ के झंडे वाला पार्क के बारे में पूछ लिया। मैं तुम्हारी जिज्ञासा से प्रभावित तो हुई। तुम्हारी शाम की ट्रेन होने के कारण काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए उस समय बता नहीं सकी। अतः यह पत्र लिख रही हूँ। बेटा, ये झंडे वाला पार्क हमारी आज़ादी की लड़ाई का एक तीर्थ स्थान है। बिटिया, अमीनाबाद लखनऊ शहर का एक बहुत पुराना और प्रसिद्ध बाजार है। इसके बीचों बीच में एक बहुत बड़ा पार्क है। अवध के चतुर्थ बादशाह अमजद अली शाह हुए थे। उन्होंने अपने वजीर इमदाद हुसैन खां अमीनुद्दौला को ये पार्क वाला क्षेत्र दे दिया था। फिर 1914 में ब्रिटिश शासनकाल में इस इलाके का पुनर्निर्माण कराया गया। तब इस पार्क के चारों ओर सड़क बनाई गई और इस पार्क को अमीनुद्दौला पार्क का नाम दे दिया गया। अब तुम सोच रही हो, झंडे वाले पार्क की कहानी सुनाने की जगह मम्मी अमीनुद्दौला पार्क की कहानी क्यों सुनाने लग गई, है ना? पर बिटिया, कहानी तो मैं झंडे वाले पार्क की ही सुना रही हूँ, ये तो बस एक पड़ाव भर था। बेटा, पार्क बन चुका था और आज़ादी की जंग भी शुरू हो चुकी थी। फिर क्या था, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े कई कार्यक्रम इस पार्क में होने लगे। 30 नवंबर 1928 को इस पार्क में साइमन कमीशन के विरोध में सभा हुई, जिसमें पंडित मोतीलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत जैसे बड़े बड़े नेताओं ने भाग लिया। 26 जनवरी 1930 को इस पार्क में कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा गया। इसी प्रतिज्ञा पत्र में वो नारा दिया गया था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये महत्वपूर्ण नारा तुमने जरूर कहीं पढ़ा या सुना होगा ही। 1930 का वो अप्रैल का महीना था। अंग्रेज सरकार के बनाए नमक कानून का विरोध पूरा देश कर रहा था। गांधी जी के आह्वान पर जगह जगह नमक बनाकर नमक कानून का विरोध किया गया जा रहा था। 18 अप्रैल 1930 को आज़ादी के मतवालों ने इसी पार्क में नमक बनाकर नमक कानून का विरोध कर आज़ादी के यज्ञ में अपने हिस्से की आहुति डाली। बेटी, वो सन 1930 की 16 जून थी जब मिताई विश्वास और रामेश्वर प्रसाद ने इस पार्क में झंडा फहराया। इसे बड़ा अपराध मानते हुए अंग्रेज सरकार ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पर आज़ादी के दीवाने कहाँ रुकने वाले थे। एक माह बाद 16 जुलाई 1930 को सरदार जोगिंदर सिंह, सरदार हरदत्त सिंह और सरदार राम सिंह ने झंडा फहराने का काम अपने जिम्मे लिया और पहुंच गए पार्क में। तीनों पूरी तैयारी से गए थे, झंडा तो उन्होंने फहरा दिया, परंतु ऐसा करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। अंग्रेज सरकार ने तीनों को 3-3 माह की जेल की सजा सुनाई। बेटी, वो आज़ादी का एक ऐसा दौर था जब जेल जाना पड़े तो हर व्यक्ति को अपने को भाग्यशाली मानता था। और जेल तो क्या, गोली का भी डर किसी क्रांतिकारी को नहीं था। बिटिया, ये अगस्त 1935 की बात है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बहुत बड़ा जुलूस लखनऊ में निकाला जा रहा था। इस जुलूस में क्रांतिकारी गुलाब सिंह लोधी भी शामिल थे। उनका इरादा पार्क पहुंचकर वहां झंडा फहराना था। ब्रिटिश सरकार को झंडारोहण कार्यक्रम की भनक लग चुकी थी। सरकार के सैनिकों ने चारों तरफ से पार्क को घेर रखा था।
हर हाल में झंडारोहण को रोकने का आदेश था, परंतु क्रांतिकारी कहाँ रुकने वाले थे, कहाँ डरने वाले थे। गुलाब सिंह लोधी सशस्त्र सेना की परवाह किए बिना पार्क में घुस गए और एक ऊंचे से, बहुत ऊंचे से पेड़ पर चढ़कर उन्होंने तिरंगा फहरा दिया। तिरंगा फहरता देख हुकूमत के एक सिपाही ने गुलाब सिंह लोधी को गोली मार दी और वे वहीं शहीद हो गए। अब इस पार्क के बीचों बीच अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा स्थापित कर दी गई है। झंडा फहराए जाने के कारण इस पार्क का नाम झंडे वाला पार्क पड़ा। इसीलिए बेटा, हम आज़ाद भारत के लोगों के लिए वो आज़ादी का तीर्थ स्थान है। मेरा पत्र पढ़कर शहीदों के प्रति तुम्हारा मन भी श्रद्धा से भर गया होगा। इस आदर को बनाए रखना। आशीर्वाद के साथ तुम्हारी मम्मी। आभार व्यक्त करती हूँ, आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला और इस कार्यक्रम में शामिल हुए।